सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले देख सकें मेरे व्लॉग्स। Hey guys, what's up? Welcome back to another video. तो आज हमारा भाई है जामा मस्जिद, जो कि खाने के लिए बहुत ही मशहूर है पूरी दिल्ली में। तो एक ऐसी शॉप पे आया हूँ जहाँ पे बहुत ही यूनिक आइटम मिलती है। आपने पिज्जा बहुत तरह के खाए होंगे, चॉकलेट पिज्जा भी मिलता है आजकल तो, लेकिन आपने ड्राई फ्रूट पिज्जा कभी नहीं खाया होगा। इसका दूसरा नाम भी, इसको शेरमाल बोलते हैं ना, शाही शेरमाल, शाही शेरमाल बोलते हैं वैसे इसका ऑफिशियली नाम है, लेकिन लोगों ने इसको ड्राई फ्रूट वाला पिज्जा भी नाम दिया। तो आपको पूरी इसकी मेकिंग दिखाता हूँ और वो देखने में बहुत सही लगता है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट होता है लेकिन अपन थोड़ा मीडियम वाला बनवाएंगे। तो भाई ये इनका आटा, ये किस चीज़ का बनता है? ये मैदा बनता है, मैदा का, मैदा सूजी बेसन, मैदा सूजी बेसन, उसमें घी वगैरह भी होता है? हाँ घी होता है। तो देखो ये पूरा इनका आटा और ऐसा बनता है। अभी भैया बनाना है, नॉर्मल बेस की तरह तैयार करते हैं। ये क्या लग रहा है भाई? ये खाने वाला गुलाब जल है। गुलाब जल है, सच्चे चिपक जाते हैं बताओ। ये देखो भाई पूरा ड्राई फ्रूट वाले में बहुत तरह के आते हैं। ये कितने का पड़ता है भाई? ये 70 रुपीज़ का, 70 रुपये 70 का ये। और इससे कम वाला भी आता? हाँ इससे कम वाला भी होता है, इससे कम वाला भी आता। ये देखो क्या बात है भाई, और साइज़ मीडियम अच्छा खासा साइज़ है, अभी और भी बड़ा हो रहा है पूरा। इसको छोड़ ताकि अच्छी तरह बादाम हो जाए। ये वाला जो दिखाया ये तो 70 वाला था, अब 100 वाला बनेगा। और 70 वाला अभी तंदूर में भी डालोगे उसको? हाँ तंदूर में डालेंगे, तंदूर में डालेंगे, वो भी दिखाएंगे। 100 और 70 भी है, क्या फ़र्क होता है दोनों में? इसमें पिस्ते का फ़र्क होता है, देसी घी का फ़र्क। अच्छा बस चपिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती होगी। क्या बात है भाई, नई चीज़ है जामा मस्जिद, आपको हर चीज़ नहीं मिलती है। मैंने बहुत सुना इस जगह के बारे में लेकिन आया मैं पहली बार हूँ। सुबह तो लोग लेके जाते हैं बहुत खुशी से भाई, ओल्ड फेमस हमारी दुकान सबसे ज़्यादा, नेट पर कहीं भी सर्च कर लेंगे। पिस्ता डल रहा है उसमें से, बादाम से पिस्ता भी डल रहा है। क्या बात है भाई, क्या देखने में लग रहा है। और ये यहाँ पे इनका तंदूर, यहाँ पे वो देखो सारे अंदर लगे हैं और अभी लगाएंगे भैया। भैया कौन सा, 70 वाला है? ये 50 वाला है, 50 वाला है। तो सारी स्टफिंग का गेम है। और जो एक 200 वाला भी है ना, उसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट होते हैं, वहाँ पे पैकिंग बड़े, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कितने वाला है? ये 50 वाला, ये भी 50 वाला, दिल बादाम, दिल और बादाम। तो 50 वाला है वो दिल बादाम वाला है, 70 वाला उसमें सिर्फ बादाम, और जो 100 रुपये वाला है उसमें पिस्ता भी डलेगा, बादाम दे। 70 वाला जा रहा है, चलो वो देखो भाई क्या मस्त लग रहा है। ये है पिस्ता वाला, 300 वाला। हाँ जी। शॉप की टाइमिंग क्या रहेगी आपकी? सुबह 10 बजे से रात 1 बजे। और सारे हफ्ते के दिन है या कोई छुट्टी? सारे हफ्ते में जा सकते हैं। ये है इनकी शॉप का नाम, गेट नंबर 1 के सामने, गेट नंबर 1 के सामने मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे आओ जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने, पूरा जामा मस्जिद सामने। तो भैया जो आटा है आप कब से गूंद के वगैरह रखते हो? भाई एक दिन पहले गूंद रखा है, एक दिन पहले। तो ये भैया हमारे, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कितने वाले? ये 40 वाला, 40 वाला। तो कितने से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे? ये 30 से एक स्टार्ट होता है भाई। अच्छा 30 से स्टार्ट होता है और जाता कितना? 200 तक, 500 तक। और 500 में क्या फर्क होता है? काजू बादाम वगैरह सब होता है, बादाम, अखरोट, अंजीर। क्या बात है भाई, बहुत सारे और भी आइटम होते हैं। 15 दिन तक खराब भी नहीं होगा, 15 दिन तक खराब नहीं होगा विदाउट फ्रिज? कह रहे 15 दिन तक खराब नहीं होगा विदाउट फ्रिज भी अगर आप रखोगे। ये कितने वाला है? ये 200 वाला, देख लो भाई काजू बादाम वगैरह सब लगे हैं। ये 100 वाला, ये 50 और ये 70, ये 50 और ये 30-40 जो भी है वो देखो। उसमें घी में डिप करेंगे भैया? जी भाई घी में डिप करेंगे भाई। आपके 70 वाला देखो भाई, पूरा घी में डिप कर रहे हैं। क्या मस्त लग रहा है भाई, 100 वाला, ये 100 वाला, इसको डिप कर रहे हैं घी में, सबको डिप करते हैं भाई सब घी में डिप। क्या 30 वाला होता है, 200 वाला घी में सबको बड़े डिप करते हैं। और पैकिंग देख लो, ये 30 वाला होगा? हाँ 30 वाला,
खाना ही होगा। ये प्लेन है और ये देखो क्या बात है भाई। भाई भैया बहुत स्वीट है, उन्होंने टेस्ट करवाया और एक नंबर है, एक नंबर टेस्ट। चपिंग का क्या टेस्ट आ रहा है, जो मतलब पूरा जीवल है ऐसे बोलते हैं, तो एक बार जरूर टेस्ट करना भाई यार, क्या मस्त है। भाई जो इनकी शॉप है ये प्योर वेज है, कुछ भी नॉन वेज नहीं है। जो लोग सोचते हैं जामा मस्जिद में से नॉन वेज मिलता है, ऐसा नहीं है, वेज की बहुत सारी चीज़ें हैं। और डेजर्ट तो पूछो मत, और एक से बढ़िया डेजर्ट है, और एक बार ट्राई जरूर करना भाई, बहुत परसेंट वेज है। पानी भी नहीं डालता हूँ, आटा लगता है, मैदा भी घी है। क्या बात है भाई, घी भी दूध से लगती है, घी दूध से लगती है, तो एक बार आओ जरूर यहाँ। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप आ जाओ। ये आप इसे जामा मस्जिद गेट नंबर एक है, मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे आओ। स्टार्टिंग में दुकान है, और अभी मैं आगे जाऊँगा और वो अगली वीडियो आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलता हूँ सभी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।